नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी और आप सभी का होम रेसिपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी मज़ेदार नाश्ता रेसिपी बना के दिखाने वाला हूँ जिसके सामने डोसा पराठा भी फीका लगे और साथ में महीनों तक चले ऐसी महाराष्ट्र की फेमस बुरका रेसिपी यानी कि ट्रेडिशनल ड्राई चटनी भी बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगती है। तो फिर चले नाश्ता विद चटनी बनाना शुरू करें। यहाँ पर वीडियो की शुरुआत में हमारे नाश्ते के लिए सबसे पहले थोड़ा मसाला बनाते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए 3 से 4 हरी मिर्ची और ये है 1/2 चम्मच अजवाइन। इससे हमारे नाश्ते में बढ़िया टेस्ट आएगा। अब 1/2 चम्मच जीरा डाल के 6 लहसुन भी डालेंगे। अब स्वादानुसार नमक डालकर इसमें बिना पानी डाले थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं। ये देखिए, ऐसे पीस लेने के बाद क्या खुशबू आने लगी है, बहुत ही बढ़िया। तो इसे यहीं पर छोड़ के एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप गेहूं का आटा लेंगे और साथ में 1 कप आटे के लिए डालना है 1/4 कप बारीक सूजी या फिर चावल का आटा। इन दोनों में आप किसी एक को डाल दीजिए। अभी डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अब थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल के जो हमने मसाला पीस लिया था उसे डालेंगे। तो मिर्ची पाउडर आप आपके टेस्ट के अनुसार यूज करिए क्योंकि हमने ऑलरेडी मसाले में हरी मिर्ची यूज किया है। अभी 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालकर फाइनली चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। अगर दोस्तों आपको नाश्ते में थोड़ा खट्टा खाना पसंद हो तो आप इसमें 1/4 कप दही डाल दीजिए, नहीं तो 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डालिए। तो इसमें हमने सूजी डाला है तो इसे 5 मिनट तक रेस्ट देने की ज़रूरत है। तो इसे ढककर यहीं पे छोड़ के चटनी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके लिए पहले आप किसी कढ़ाई में तेल डालकर गरम करके लीजिए और बाद में इसमें इस तरह की छलनी रखकर चॉप किए हुए 20 से 25 लहसुन डाल के फ्राई करिए। चाहे तो आप दोस्तों लहसुन को सीधा तेल में भी फ्राई कर सकते हो। तो लहसुन फ्राई होने के बाद निकालने में आसानी हो इसीलिए मैं छलनी में लहसुन को फ्राई करके ले रहा हूँ। तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हो कि लहसुन एकदम बढ़िया फ्राई हुआ है। तो इसे हम 2 मिनट तक ऐसे ही छलनी में रखेंगे ताकि इसमें से ऑयल अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। और 2 मिनट के बाद लहसुन को 1 प्लेट में निकाल के रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यानी कि वापिस छलनी को उसी तेल में रख कर लेकिन इस बार हरा धनिया को फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने छलनी में काफ़ी सारा धनिया पत्ता डाला है। यहाँ पर दोस्तों हमें धनिया पत्ता को तब तक फ्राई करना है जब तक कि हरा धनिया अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। आप देख सकते हो कि हरा धनिया अच्छे से फ्राई हुआ है। तो इसमें से भी ऑयल को ड्रेन आउट करके लहसुन के साथ ऐड करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, धनिया को थोड़ा फैला के इन दोनों को ठंडा होने देंगे। तब तक हम मूंगफली को कूट कर लेते हैं। तो उसके लिए यह मैंने 1/3 कप रोस्टेड मूंगफली के ऊपर का छिलका निकाल के लिया है। तो यहाँ पर हमें मूंगफली को थोड़ा सा दरदरा क्रश करके लेना है। ये देखो आप, ऐसे क्रश करके लेना होगा। तो इसे मैं 1 प्लेट में निकाल के रखता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारी चटनी बनाने की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो अभी हम पहले नाश्ता बनाएंगे। इधर हमारा बैटर अच्छे से सेट हुआ है लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा है। तो इसमें काफ़ी सारा पानी डालेंगे क्योंकि हमें यह बैटर थोड़ा सा पतला चाहिए। तो आप भी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के पतला सा बैटर बना लीजिए। ये देखिए, हमें इस तरह का बैटर चाहिए। नाश्ता बनाने के लिए दोस्तों हम इस तरह के बाउल की हेल्प से बैटर को तवे पर डाल देंगे। और दूसरी बात यह है कि हर बार तवे पर डालने से पहले बैटर को 1-2 बार ज़रूर मिक्स करिए। तो बैटर डालने से पहले आप तवे को थोड़ा सा तेल लगा के
तवा अच्छे से गर्म करिए और बाद में इस तरफ बैटर डाल दीजिए। इस समय हमें फ्लेम को मीडियम टू स्लो करके 2 से 3 मिनट तक इसे सेक लेना है। ये देखो आप, 1 मिनट के बाद ये इस तरह का दिखेगा और 3 मिनट के बाद ऐसा बनेगा, यानी कि हमारा नाश्ता तैयार है। तो इसे हमें दूसरे साइड से सिकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप भी सेम प्रोसेस करके सभी बैटर का नाश्ता बना लीजिए। अभी हम चटनी बनाते हैं, तो उसके लिए पैन में लगभग 2 चम्मच तेल डाल के गरम करके लेंगे। यहाँ पर मैंने जो लहसुन और हरा धनिया को फ्राई करके लिया था वो तेल यूज़ किया है। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच जीरा। यहाँ पर हमें दोस्तों जीरा थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना है। तो जीरा चटकने के बाद डालते हैं कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। नारियल को हमें पहले थोड़ा सा भून कर लेना है, यानी कि गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हल्का सा फ्राई करेंगे। अभी इसमें डालते हैं जो हमने मूंगफली को क्रश करके लिया था उसे, और साथ में डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर आप तीखा कम या ज़्यादा कैसे खाना पसंद करते हो उस हिसाब से डालिए। और इस तरह नारियल के साथ मूंगफली और मिर्ची पाउडर को भून कर लीजिए। तो इस समय हमें फ्लेम को स्लो रखकर इसके आगे के सभी प्रोसेस करते रहना है। हाँ, अगर आपको आज की ये दोनों रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। अब इसमें डालते हैं 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। ये डालना दोस्तों ज़रूरी है, तो इसे आप स्किप मत करिए। अभी 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल डाल के स्वादानुसार नमक डालेंगे, और बाद में जो हमने लहसुन और हरा धनिया को फ्राई करके लिया था उसे भी डालना है। अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून कर लेते हैं ताकि ये सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो हमें फ्लेम को स्लो रखकर 40 से 50 सेकंड तक लगातार चम्मच चलाते रहना है। अभी गैस को बंद करके लास्ट में आधा चम्मच चीनी डाल देंगे और थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे। दोस्तों यहाँ पर चीनी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारी ये ड्राई चटनी बनके तैयार है। तो इस चटनी को आप हवाबंद कंटेनर में स्टोर करके 1 महीने तक जब कभी सब्जी बनाने में दिक्कत हो जाए, इसे आप रोटी चपाती के साथ तो खा ही सकते हो, यहाँ तक कि आप इसे ब्रेड के साथ भी आराम से खा सकते हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।